हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो मसूरी टूर का, तो मैंने आपको उस वीडियो में कहा था, क्योंकि बिकॉज मैं उसमें नहीं बता पाई, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, तो मैंने कहा था मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगी कि आप मसूरी कैसे जाओगे, वहाँ पर रेंट पे स्कूटी बाइक कार कैसे लोगे एंड होटल कहाँ पे लेना है, ये सब कुछ बताऊंगी। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी थी जिस जिन्होंने अपने थंबनेल पे लगा रखा 300 माल रोड पे 300 रुपये रेंट होटल का एंड 500। तो जी नहीं, कहीं पे भी ना तो 300 ना ही 500 आपको पूरे मसूरी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो चलो सबसे पहले बताती हूँ आपको कि अगर आप कहीं से भी आ रहे और जिनको पता नहीं उनके लिए ये वीडियो है, जो मतलब पहली बार मसूरी घूमने आ रहे हैं कहीं से भी, ऑल इंडिया कहीं से भी, और सॉरी सबसे पहले सॉरी इसलिए कह देती हूँ क्योंकि हमारा घर ना यहाँ पे रोड मीन्स कि आने जाने वाला रास्ता है, तो यहाँ पे आवाज़ भी आएगी एक्स्ट्रा आवाज़, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बात ना करते, स्टार्ट करते। तो जी आप ऑल इंडिया से कहीं से भी आप पहले देहरादून में एंटर कर दिया आपने, उसके बाद मसूरी के लिए जो जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं वो है रेलवे स्टेशन, देहरादून का रेलवे स्टेशन सॉरी देहरादून का रेलवे स्टेशन। तो आप रेलवे स्टेशन से कैब बुक कर सकते हो, रेंट पर ले सकते हो, वहाँ पे बस से जा सकते हो। तो अगर जो शेयरिंग का होगा उसका 250 पर पर्सन है, और अगर आप बहुत सारे लोग हैं तो आप कैब भी बुक कर सकते हो, वहाँ से ओला बुक कर सकते हो, एंड अगर कम बजट में जाना चाहते हो तो बस से भी जा सकते हो, वहाँ से बसें भी जाती रहती हैं। और उसके बाद पहुँचे आप मसूरी, तो सबसे पहले आप होटल ढूंढेंगे, जब भी पहुँचोगे आप देखोगे कि सबसे पहले होटल ढूँढ लेते हैं। तो जो माल रोड पर जो वहाँ प्रॉपर मार्केट है, तो वहाँ होटल आपको 2000 से लेके 2500 3000 बढ़ता जाएगा रेट, ठीक है। तो वहाँ पे 2000 से स्टार्ट है, वो भी 2000 के स्टार्ट हुआ है, जो 6-7 मंजिला होटल है, तो सबसे नीचे का जो फ्लोर है उसमें आपको 2000 का मिलेगा। एंड उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ये है कि मुझे 1000 या 1500 में रूम चाहिए, तो आपको थोड़ा सा दूर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 1000 के रेंज में भी मिल जाएगा, 1500 के रेंज में भी मिल जाएगा, 2000 रेट में भी मिल जाएगा 2000 के, तो आप वहाँ पे होटल है। तीसरा जो चांस आता है, जो तीसरी जो चीज़ आती है वो है कि हमने घूमना है तो जो अपने कार से या अपने, तो एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि जो अगर आप कार बाइक स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो पेट्रोल आपको खुद से डलाना है उसमें, वो सिर्फ उसका चार्जेस है, थोड़ा बहुत पेट्रोल आपको दे देंगे कि आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा लो, तो पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल आपको खुद को भरवाना है, कितना भरवाना वो आप पे डिपेंड करता है, तो बस यही है। तो बात आती है घूमने की, तो हम लोग कैसे वहाँ पर घूमें, तो जो अपनी गाड़ी लेके आ रखे होते तो वो तो इसलिए अपनी गाड़ी से घूम लेते, लेकिन जो नहीं आते तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको रेंट पे कार बाइक और स्कूटी भी मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूटी की, तो स्कूटी का जो रेंट है वो 500 से स्टार्ट हो जाता है, और बाइक का 700 से, कार का 1000 से 1500 के बीच में हो जाता है। और जो प्रोसेस है इनकी, वो आपको एडवांस में उसका रेंट देना पड़ता है और आधार कार्ड जमा करना पड़ता है, तो आप इजीली कहीं पे भी घूम सकते हो। अगर आप दो लोग हैं तो आप स्कूटी ले सकते हो, और तीन लोग हैं तो बाइक ले सकते हो, फैमिली है तो आप लोग कार ले सकते हो रेंट पे, और बुकिंग की भी मिल जाती है कि सुबह से लेके शाम तक, और जो इनका सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक आप रेंट पे ले सकते हो, दो दिन के लिए भी ले सकते हो, तीन पर वही चार्जेस पड़ेंगे आपके 12 घंटे का जो चार्जेस पड़ता है हर एक में अलग अलग। तो ये रही घूमने की बात, अब उसके बाद है खाने की। तो आप फूड बाहर से भी खा सकते हो, वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है उसमें, तो आप लोग वहाँ पे भी खा सकते हो, होटल में भी खा सकते हो, ऐसी बात नहीं। अगर आप ये है कि हमें बैठ के खाना है आराम से तो होटल में, लेकिन होटल में थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं, और बाहर ठीक मिल जाता है। वही चीज़ है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान है, ऐसा नहीं कि गंदा फंदा, ऐसा कुछ नहीं, साफ़ सफाई पूरा है, तो आप वो कर सकते हो। बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हो, जैसे मसूरी झील है, कैंटी फॉल है, एंड अगर आप गर्मियों में आ रहे तो सब बहुत सारी जगह हैं घूमने की, घूम सकते हो। अगर आप बर्फ़ देखने के शौकीन हो तो आप 25 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच में आ सकते हो, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है क्रिसमस पे,
बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो आप लोग धनोल्टी जा सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू रहता है वहाँ पे बर्फ़ के सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कब घूमने आना चाहते हो, क्योंकि अगर सर्दियों में आओगे तो बहुत सारे कपड़े लाने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इवन हम नवंबर में गए थे तो बहुत शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही थी कि हमें पूरे मोजे, टोपी, सॉक्स एंड जैकेट, स्वेटर सब पहनना पड़ा। गर्मियों में कि आपको कम कपड़े लाने पड़ेंगे, तो जो आपको अच्छा लगता है, जो वेदर आपको सूट होता है या जो वेदर आपको पसंद है, तो उस वेदर में आप आ सकते हो। तो अगर कुछ चीज़ छूट गई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ख़ासकर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।